आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्लास वन से फाइव तक के स्टूडेंट्स को किस प्रकार से क्या टाइम टेबल दिया जाए जिससे वो एग्ज़ाम में भी बढ़िया मार्क्स ला पाएँ और घर में भी उनको पढ़ने में मन लग जाए। तो सबसे पहली बात ये है कि वन से फाइव तक के स्टूडेंट्स सुबह बहुत जल्दी उठकर पढ़ने बैठ जाएँ, वो आसानी से अपनी इच्छा से सुबह जितनी देर बैठे, आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, उतनी देर है वो पढ़े। अब उसमें पढ़ना क्या चाहिए? सबसे अच्छा ये होगा कि कल के दिन स्कूल में याद करने के लिए जो कुछ भी मिला है उसे लेकर वो बैठ जाए। अगर याद किया हुआ है तो उसका रिवीजन कर लेंगे और अगर याद किया हुआ नहीं है तो उसे याद करेंगे। तो सुबह का जो समय है उस समय दिमाग बहुत तेज चलता है और उस समय अगर वो याद करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर लौटने के बाद खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे या फिर जो है वो अपना कुछ ट्यूशन कोचिंग करेंगे, फिर वो खेलने जाएंगे शाम को। ये सारा कुछ निपटने के बाद शाम को जब वो पढ़ने बैठे तो कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम ढाई से तीन घंटा वो पढ़ने बैठे। अब तीन घंटा अगर वो पढ़ने बैठे हैं तो उसमें जो है जो आज के दिन होमवर्क मिला है पहले तो वो करना है। होमवर्क बनाने के बाद जो समय बचता है उस समय को आधे आधे घंटे में बांट दिया जाए। पढ़ाई लिखाई से जुड़े वीडियो मैं बनाता हूँ, मेरे वीडियो आपको बार बार ढूंढना ना पड़े उसके लिए नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा दें एवं इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें, इससे मेरा हौसला बढ़ा रहे। आधे आधे घंटे में बांटने के बाद मान लीजिए दो घंटा बैठा तो आधा आधा घंटा के हिसाब से चार पार्ट बनेगा। तो बच्चे को जो है सबसे अच्छा ये होगा कि पहले जो उसको टफ लगता है, जो उसके लिए भारी है, उसका वो रिवीजन करे, उसको पढ़े। उसके बाद फिर वो सब्जेक्ट चेंज कर दे आधा घंटा के बाद, फिर जो है वो दूसरा सब्जेक्ट उठाएगा उसका वो रिवीजन करेगा। तो आधा घंटा में ये चेंज करने का जो सिस्टम है इससे फ़ायदा होता है। पहला बात तो ये है कि वैज्ञानिकों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि आधा घंटा से ज़्यादा अगर लगातार बच्चा पढ़ने बैठ रहा है तो उसके अंदर धीरे धीरे बोरियत आना शुरू हो जाता है, वो फिर उससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाता। बेमतलब का सिर्फ किताब लेके बैठा रहेगा तो उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं। उससे अच्छा है आधा घंटा पढ़े, याद करे एक सब्जेक्ट को जो उसके लिए टफ है, उसके बाद दो चार मिनट के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर जो है दोबारा वो पढ़ने के लिए बैठे। इस बार जो है वो सब्जेक्ट चेंज कर दे, मान लीजिए पहले वो साइंस पढ़ रहा था अब वो जो है इंग्लिश पढ़ ले, उसके बाद फिर मैथ्स कर ले। तो हर आधे घंटे के बाद सब्जेक्ट वो चेंज करता रहे तो इससे उसका मन भी लगा रहेगा, बोर भी नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को वो कवर कर पाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ पाएगा। तो ये जो है विशेष ध्यान रखना है, आधा घंटा, आधे घंटे के बाद फिर सब्जेक्ट बदल देना है और वो जो है पहले भारी सब्जेक्ट उठाए, उसके बाद फिर जो उसको हल्का लगता है उसके हिसाब से वो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को आधे घंटे के बाद फिर उसको वो पढ़े। उम्मीद करते हैं इस हिसाब से अगर टाइम टेबल बनाया जाए तो बच्चा बोर भी नहीं होगा, मार्क्स भी अच्छा लाएगा और ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ेगा भी। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।